हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंगलाइडर। आज हम लोग ICSE बोर्ड के बुक से मैथ्स पढ़ेंगे, टॉपिक सर्कल्स। इसमें जो है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसी पे बेस्ड जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो होगा 15.1 होगा। चलो पहले हम लोग थ्योरम देखते हैं। हम लोग थ्योरम फर्स्ट को देखेंगे। इसमें ये है कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पार्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो है कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है और उसका एक सेंटर। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ हमको ये करना है कि एंगल जो है, एंगल पी वो क्यू इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू के, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू के। इसको हमें प्रूफ करना है, इस थ्योरम का ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसमें क्या करना है कि ए से ओ को मिला के, ए से ओ को ज्वाइन कर दिया और एवो को एक्सटेंड करना है बी तक। एवो को एक्सटेंड कर दिए बी तक, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, एवो को एक्सटेंड कर दिए बी तक। एवो ए से ओ फिर वी तरफ, वी की तरफ। तो यहाँ पे जो एवो को एक्सटेंड कर दिए बी की तरफ, तो यहाँ पे एक एंगल फाइंड हो रहा है ओपी, ओपी लाइन के बीच में और ओबी लाइन के बीच में एक एंगल फाइंड हो रहा है। और जो ये एंगल है, कौन सा एंगल, पी ओ बी, पी वो भी जो एंगल है, अगर ध्यान से देखोगे तो ट्रेंगल पी ए ओ, पी ए ओ का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ट्रेंगल पी ए ओ का ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल पी ओ बी। तो किसी भी ट्रेंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के क्या होता है, सम के इक्वल होता है, उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के होता है। तो ये ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं अभी, तो इफ ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है ये है और इसका जो एक अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा ये होगा, तो इन दोनों का सम जो होगा वो इक्वल होगा इसके एक्सटीरियर एंगल के। तो हम लोग प्रूफ में लिखेंगे इसके, प्रूफ में हम लोग लिखेंगे इसका फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ पी में, ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ, ए ओ पी में जो एक्सटीरियर एंगल है इसका क्या है, एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी जो होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो पी ए ओ है, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ, एंगल ए पी ओ, ए पी ओ। कोई भी जब एंगल लिखते हैं तो जहां पे एंगल्स बनता है, सबटेंड होता है, उसको हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ पे पी है तो पी को बीच में कर दिए, यहाँ पे ए है तो ए को बीच में कर दिए, थ्री पॉइंट में ऐसे एंगल को डिनोट किया जाता है। तो इन दोनों को सम जो है वो इक्वल हो गया इसके। एक कंडीशन और है कि इसी ट्रायंगल में ए ओ पी में जो ए वो है वही क्या है, ओ पी है। दोनों क्या है, ए वो इक्वल टू है ओ पी के, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं और एक ही ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल टू हो जाएगा किसके होगा, एंगल पी ए ओ के, एंगल पी ए ओ के इक्वल हो गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, जहां पे ओ पी ए है, यानी कि इसको बोल सकते हैं ए पी ओ जो कि यहां पे है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितना है, पी ए ओ। तो यहां पे हम पुट कर दे रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट एंगल पी ओ बी
इक्वल टू एंगल पी ए ओ प्लस, अब यहां पे एंगल ए पी ओ के प्लेस पे लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ, तो प्लस एंगल पी ए ओ, तो यहां पे जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए ओ, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए ओ एंगल पी ओ बी के। ये जो रिजल्ट आया है इसको हम लोग देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट है। तो यहां ट्वाइस ऑफ एंगल, सॉरी एंगल पी ओ बी जो है ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए ओ के है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पी ओ बी यानी कि इतना जो एंगल है पी ओ बी, ये जो एंगल है वो इक्वल टू है ट्वाइस के, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए ओ के, इस अंदर वाले इंटीरियर एंगल के। तो ये जो एंगल इक्वल है, ये जो एंगल इक्वल है इस एंगल के इक्वल है किसके, ट्वाइस के। तो इसी तरीके से इस ट्रायंगल में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो ये एंगल होगा किसके बीच में, क्यू ओ बी, जो एंगल क्यू ओ बी होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू के होगा। सिमिलरली ये इक्वेशन थर्ड हो गया, इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ये हो जाएगा इक्वेशन फोर, ये हो गया इक्वेशन फोर। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर को अगर ऐड कर दें तो पी ओ बी, पी ओ बी यानी कि पी ओ बी में जो एंगल है ये इतना एंगल है, और जो एंगल है क्यू ओ बी वो इतना एंगल है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें एलएचएस एलएचएस को तो जो टोटल एंगल आ जाएगा वो हो जाएगा पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू हो गया इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को जब ऐड करोगे तो ये जो एंगल है एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी, यहां देखो फिगर में तो इतना एंगल प्लस इतना एंगल तो टोटल एंगल हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं पी ओ क्यू, ठीक है, फिर इक्वल हो जाएगा इन दोनों साइड को ऐड करो तो जो ट्वाइस है और इक्वल मल्टीप्लाई में है एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इतना एंगल, फिर जो है एंगल है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू इतना एंगल ओ ए क्यू। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो टू टू यहां पे है, ऐड करोगे तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा टू, तो टू कॉमन लेके जो ब्रेकेट में आएगा वो एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू आएगा, पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू। तो इस टोटल को हम लोग लिख सकते हैं पी ए क्यू, तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल पी ए क्यू, और हमको यही प्रूफ करना था कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो इस तरीके से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे। ये थ्योरम जो है एग्जाम में प्रूफ पूछ सकता है, और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए दो थ्योरम लग रहे हैं। पहला थ्योरम ये है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके जो है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। दूसरा थ्योरम ये लग रहा है कि अगर एक ही ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ इसको समझना है इसका रिजल्ट क्या होता है। तो इसमें है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट का जो मतलब है वो समझो, अगर यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट पी ले रहे हैं और इसी सर्कल पे दूसरा पॉइंट क्या है क्यू है, तो ये पी क्यू एक क्या है सेगमेंट है। सेगमेंट मीन्स पार्ट है, इस सर्कल एक सर्कल का एक पार्ट है, पी क्यू इसका एक आर्क है, छोटा सा पार्ट है। तो इस पी क्यू के द्वारा अगर एक एंगल सबटेंड करो, यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करने की बात हो रही है एंगल्स की बात हो रही है,
इक्वल तभी होंगे ना जब दो हों। तो यहाँ पे हमने पी क्यू से जो है एक एंगल जो है सबटेंड कर दिया, पी क्यू से एक एंगल सबटेंड किए हैं हम इसके सर्कल पे जिसका नाम है ए, और इसी पी क्यू से एक एंगल सबटेंड कर दिए जिसका नाम है बी। तो यहाँ पे जो ए है वो बी के इक्वल होगा। इस थ्योरम का मतलब बस इतना है कि एंगल पी बी क्यू इक्वल टू जो होगा एंगल क्यू ए पी के, एंगल क्यू ए पी के। इसका सिर्फ हमको रिजल्ट याद रखना है कि जब सेगमेंट सेम हो और एक ही साइड में, जैसे एक सेगमेंट है पी क्यू, तो पी क्यू को ऐसे ढक लो और इसके एक ही साइड में एंगल बनाओ, एक ही साइड में। यहां से एक एंगल बन रहा है ए इसके सर्कल के एक पॉइंट पे, और यहीं से एक एंगल बन रहा है बी इसके पॉइंट पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये रिजल्ट है, इसको याद रखो इस कंडीशन से। कंडीशन क्या है कि एक सर्कल में जब एक सेगमेंट सेम सेगमेंट से दो एंगल बने तो दोनों इक्वल्स होंगे। ये कंडीशन है, इसको लर्न कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आएगा। इस थ्योरम का प्रूफ जो एग्जाम में आता है, ये जो थ्योरम है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सेमी सर्कल में जो एंगल है वो राइट एंगल है, इसको हमको प्रूफ करना है। पहले हम सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। सेमी सर्कल ड्रा करने के लिए उस सेंटर से हम एक डायमीटर खींचते हैं। तो हमने इस सेंटर से जो एक डायमीटर ए बी खींच दिया, जिससे ये सर्कल जो है एक सर्कल दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो गया। तो हमको सिर्फ सेमी सर्कल में ही देखना है कि जो एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि नीचे के सर्कल, नीचे के सेमी सर्कल से कोई मतलब नहीं है। तो इस सर्कल को हम इरेज कर लें हल्का हल्का, डैश डैश करके इसको बना सकते हैं। अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो ये सर्कल का सेंटर होता है, ये सेंटर वो है और एक सीधी लाइन है, डायमीटर एक सीधी लाइन होती है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये टोटल सर्कल, इसको डैश डैश बनाए तो ये टोटल सर्कल है। इस आर्क से ए बी आर्क से जो डैश डैश है, सेंटर पे जो एंगल है 180 है। तो अगर हम यहाँ पे एक एंगल ऐसे सबटेंड कर दें, एक एंगल हमने क्या कर दिया यहाँ पे सबटेंड कर दिया जिसका नाम मैं सी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल ए सी बी होगा वो क्या होगा, अगर ये 180 है इसी आर्क से और फिर इसी आर्क से एक एंगल सबटेंडेड है। तो हम एक थ्योरम पढ़ें कि उसी आर्क से अगर सेंटर पे हो और सेम आर्क से ही उसके रिमेनिंग सर्कल पे हो कोई एंगल, तो जो उस एंगल की वैल्यू होगी वो सेंटर के वैल्यू की हाफ होगी। तो इसका जब हाफ करोगे, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री है, डिवाइड बाई 2 कर दिए, 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ए सी बी की वैल्यू है वो कितना है, 90 डिग्री। तो अगर एंगल ए सी की वैल्यू 90 डिग्री है और जो ये 90 डिग्री है वो सेमी सर्कल में है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल।